बाबरी मस्जिद इनाम केस में सीबीआई की अदालत ने सुनाया फैसला। 28 साल बाद अडवाणी जोशी समेत सभी 32 मुलजिमीन अदालत से बरी। बाबरी मस्जिद इनाम मामले में आए फैसले पर रद्दअमल का सिलसिला जारी। जफर याब जिलानी ने कहा, फैसले को हाई कोर्ट में करेंगे चैलेंज। असदुद्दीन ओवैसी ने फैसले को करार दिया भारत की अदालत की तारीख का काला दिन। यूपी के हाथरस मुबैना अस्मत दरी का शिकार लड़की की हुई मौत। पुलिस ने मुतासिरा के कुंबे के बगैर ही देर रात अदा कर दी आखिरी रसूमात। भारत में कोरोना वायरस वबा से हालात अब भी संगीन। नायब सदर जमहूरिया एम वेंकैया नायडू कोरोना पॉजिटिव, हुए होम क्वारंटाइन। शाह सलमान बिन अब्दुल अजीज की जेर सदारत सऊदी काबीना की अहम मीटिंग। ईरान के जौहरी प्रोग्राम को रोकने के लिए आलमी बिरादरी पर डाला दबाव। कुवैत के अमीर सबा अल अहमद अल जाबर अल सबा का 91 साल की उम्र में इंतकाल। नवाफ अल अहमद अल सबा बने कुवैत के नए अमीर।